तीन साल की उम्र में जब बच्चे फीडर लेके अपने घरों के अंदर खेल रहे होते हैं, उस एज के अंदर मीरब बच्ची है, उसने बैट और बॉल अपने हाथ में लिया और क्रिकेट को अपना ओढ़ना बिछोना समझा। मेरे डैडी के मैचेस होते थे, मैं साथ जाती थी, और जब उनकी फील्डिंग आती थी तब जो दूसरी टीम के अंपायर्स होते थे मैं पीछे खड़ी होती थी और अपने डैडी की बॉलिंग देखती थी। ऑस्ट्रेलिया के सर माइकल बेवन है, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ और फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं बॉलिंग नहीं करती। और मेरे जो डैडी हैं, उनका ख्वाब था कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन सके, और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अब उनका ये ख्वाब मैंने पूरा करना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के क्रिकेट बिल्कुल प्रमोट नहीं है, उनकी क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए ताकि अंडर 13 आए और मेरे जैसी छोटी ग्रास रूट लेवल की बच्चियाँ आएँ और वो प्रमोट होएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नोमान मकसूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू, और आज हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही मुख्तलिफ है। यानी एक बच्ची की कहानी है जिसने तीन साल की उम्र में जब बच्चे फीडर लेके अपने घरों के अंदर खेल रहे होते हैं, अपने वालदेन के साथ इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, उस एज के अंदर मीरब बच्ची है, उसने बैट और बॉल अपने हाथ में लिया और क्रिकेट को अपना ओढ़ना बिछोना समझा। और क्रिकेट में अब इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट के काबिल हो चुकी हैं, और इन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम कमा लिया सोशल मीडिया के ऊपर। मीरब के साथ हम बात करेंगे। मीरब, क्या हाल है आपका? ठीक। मीरब, ये बताओ कि कब से आपने शुरू किया क्रिकेट, और कैसे शौक पैदा हुआ क्रिकेट का? बाबा ने पैदा किया ये शौक, या आपको खुद था ये क्रिकेट देखने का, ये खेलने का? जब मैं तीन साल की थी तब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, और मेरे जो डैडी हैं, उनका ख्वाब था कि वो क्रिकेटर बने, लेकिन वो क्रिकेटर नहीं बन सके, और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अब उनका ये ख्वाब मैंने पूरा करना है। वेरी गुड। तो ये बताओ कि जब आप तीन साल की थी, जब आप ग्राउंड में लेके गए बाबा आपको, तो आपको बुरा नहीं लगा कि बाबा मुझे क्रिकेट खिला रहे हैं, और मैं इतना बड़ा बल्ला है और इतनी छोटी सी मैं हूँ, बैट को कैसे संभालूंगी, बॉल को कैसे संभालूंगी, और बाबा मुझे खुद उठा के लाते हैं लेकिन आखिर में आके मेरे साथ धोखा होता है और मुझे बाबा बल्ला और गेंद पकड़ा देते हैं? मेरे डैडी के मैचेस होते थे, मैं साथ जाती थी, और जब उनकी फील्डिंग आती थी तब जो दूसरी टीम के अंपायर्स होते थे मैं पीछे खड़ी होती थी और अपने डैडी की बॉलिंग देखती थी। मुझे बड़ा अच्छा फील होता था और मुझे बुरा नहीं कभी भी लगा, क्योंकि मुझे मेरा ख्वाब था क्रिकेटर बनना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक आपको जो है वो क्रिकेट में कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जो अच्छे लगते हैं और जिनके जैसा आप बनना चाहती हो, और कौन कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है उनका? ऑस्ट्रेलिया के सर माइकल बेवन है, उनकी बैटिंग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मैच फिनिशर हैं, और वेस्ट इंडीज के सर क्रिस गेल हैं क्योंकि वो स्लो हिटिंग करते हैं, और मेरा अलग से राउंड होता है स्लो हिटिंग का। अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि बैटिंग अच्छी कर लेती हो, बॉलिंग अच्छी कर लेती हो, या फील्डिंग अच्छी कर लेती हो, या तीनों में आप मास्टर हो? मैं बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ और फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, मैं बॉलिंग नहीं करती। अच्छा, मेरा भी बताओ कि स्कूल के जो टाइमिंग्स हैं उनको किस तरह से मैनेज करती हो आप? जब ये क्रिकेट खेलने के लिए बाबा लेके जाते हैं उस वक्त क्या टाइमिंग होते हैं आपके, और वैसे दिन कैसे गुजरता है आपका? वैसे जब कोविड होता था तब, जैसे अभी कोविड है तो स्कूल से भी छुट्टियाँ, मैं दोपहर में अपने डैडी के साथ इस्लामाबाद में ग्राउंड है वहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे जब कोविड नहीं होता था तो सुबह 7:30 में स्कूल जाती थी, उसके बाद आती थी, 15 मिनट्स में मैंने कपड़े भी बदलने होते थे और लंच भी करना होता था, और ग्राउंड जाती थी, वहाँ से मगरिब के वक्त आती थी, फिर ट्यूशन जाती थी, फिर आती थी तो कारी साहब आए हुए होते थे, सुपारा पढ़ती थी, फिर खाना खा के सो जाती थी। वेरी गुड। अच्छा, मेरा भी बताओ कि आपको क्रिकेट कौन सिखाता है, कोच कौन है? बाबा ही सिखाते हैं या और भी कोच हैं आपके कोई बड़े जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के ऊपर आपकी कोचिंग करवाते हैं? मेरे डैडी मुझे सिखाते हैं। अच्छा, डैडी सिखाते हैं। ये बताओ, कभी टेस्ट दिया है?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैच के लिए कभी टेस्ट दिया? और आप ये समझते हो कि जिस एज में बच्चों को लिया जाता है उस तक आप इस काबिल हो जाओगी कि जब पाकिस्तान के लिए अंडर 18 या अंडर 19 या अंडर 16 खेल सको? मैं कहना चाहूंगी कि लड़कियों के क्रिकेट बिल्कुल प्रमोट नहीं है, उनकी क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए ताकि अंडर 13 आए और मेरे जैसी छोटी ग्रास रूट लेवल की बच्चियां आए और वो प्रमोट होए। अच्छा ये बताओ कि अभी तक आपकी किस किस क्रिकेटर के साथ बाबा ने आपकी मुलाकात कराई या किस किस क्रिकेटर ने खुद मिलना चाहा मीरब को सोशल मीडिया के ऊपर देख के और उनसे मुलाकात हुई आपकी, और कौन सी बात आपको उनके अच्छी लगी जो उन्होंने आपके लिए कही? मैं रावलपिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा था तो सर कामरान अकमल वहाँ पे आए हुए थे, मैं उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत अच्छे सर हैं। अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में आपको वैसे बहुत कम ही क्रिकेटर्स पसंद है, क्या वजह है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में अब जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा है, सर माइकल बेवन आते थे तो मैच फिनिश करके जाते थे, और इंडिया में भी यही है, जितना मर्जी मैच 100 हो लेकिन इंडिया भी मैच फिनिशर कर देता है, लेकिन पाकिस्तान में वो बात नहीं है। तभी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में भी यह बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी मैच फिनिश करके वापस आया करे। ये बताओ मीरब कि आप अभी अगर आपसे क्रिकेट को सीखना चाहे तो आप उनको सिखाओगी जिस तरह से बाबा ने आपको सिखाया? क्योंकि मुझे तो क्रिकेट नहीं आता, अगर मैं सीखना चाहूँ तो मुझे सिखाओगी आप? मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी, जैसे कि मेरे जो डैडी हैं वो सिर्फ मेरे कोच हैं और मेरी सिस्टर के दो कोच हैं, जैसे कि मैं और डैडी। वेरी गुड। और अगर मैं आऊँगा तो मेरे कितने कोच? आपके तो दो हो जाएंगे क्योंकि मैं और मेरे डैडी। बॉल कैसे पकड़ लेती हो, भारी होती है बॉल वैसे? नहीं, बॉल बिल्कुल भारी नहीं होती, और जब मुझे बॉल भी लगती थी तो मेरी आंखों से आंसू गिरते थे तो मुझे डैडी कह देते थे चली जो बॉल लग गया, मैं कहती थी नहीं अब मैं इस फील्डिंग में आई हूँ तो मैं करके वापस जाऊंगी। तो कभी ऐसा हुआ है, कभी चोट लगी क्रिकेट खेलते हुए, बॉल लगी हो, बैट लगा हो, कुछ लगा हो? बहुत दफा लगा है लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी कि लगता रहता है, क्रिकेट में ये सब होता है। अच्छा मीरब ये बताओ कि आपके साथ बच्चे तो खेल नहीं सकते वहाँ पे, बच्चों को ज़्यादातर शौक नहीं होता, वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, हल्की हल्की बॉल्स होती हैं उनके साथ खेलते हैं, वो प्लास्टिक के बैट होते हैं, तो आप क्या बड़ों के साथ फिर खेलना पड़ता है आपको बाबा की तरह? मेरा एक अलग सेगमेंट होता है जिसमें मैं प्रॉपर बैटिंग करती हूँ और पीछे से प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉल कोई करवाता है, कोई स्पिन बॉल करवाता है, मैं तभी ये बॉल्स खेल लूँ ताकि मुझे आगे जा के परेशानी ना हो। अच्छा तो आप ये बताओ कि आपके साथ और कितने कजन्स हैं जिनको शौक पैदा हुआ आपको देख के, और कितने फ्रेंड्स हैं जिनको शौक पैदा हुआ और बाबा उनको भी सिखाते हैं आप और बाबा? मेरे कजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक है, वो मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे देखते हैं, जब मेरा कहीं इंटरव्यू होता है तो बड़े शौक से देखते हैं, मीरा आप आओगी, मीरा अच्छे से बोलना, बहुत अच्छे हैं वो लोग। अच्छा आप ये बताओ कि क्रिकेट बोर्ड से कोई आया था आपके पास मिलने के लिए और उनमें से किसी ने कुछ कहा बाबा को या आपको कि आपके आपका जो क्रिकेट है वो बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखें गर्ल्स की क्रिकेट प्रमोट नहीं हो रही, गर्ल्स की क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए, जैसे इंडिया की गर्ल्स की क्रिकेटर प्रमोट हो रही है, और इंडिया में देखें ना प्रमोट इस वजह से हो रही है क्योंकि उनके जो ग्रास लेवल के जो कोच हैं सर राहुल द्रविड़, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं वो, और मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो ग्रास रूट लेवल के जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं उनको कोच बनाना चाहिए ताकि जो ग्रास रूट लेवल में जो बच्चे प्रमोट हो रहे हैं वो आगे जाके अच्छा खेलें और मेहनत करें। बिल्कुल, आगे जाके अच्छा खेलें और मेहनत करें, ये है मीरब का ख्वाब और इसके बाबा की मेहनत, जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मीरब अंडर 13 जिस तरह से ये कह रही कि यहाँ पर भी होनी चाहिए टीम और इन बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान का फ़ख्र बन सकें ये बच्चे और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। मीरब जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक्टिव है और सोशल मीडिया के ऊपर इसे जितना पसंद किया जा रहा है, ये चाहती है कि दुनिया भी इसे पाकिस्तान का एक क्रिकेटर समझ कर, पाकिस्तान की एक अच्छी ऑलराउंडर समझ कर इसको जो है वो वहाँ पर भी पहचाना जाए और पाकिस्तान इस सिलसिले में इसकी कोशिश करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो से मुतालिक आप मज़ीद जानना चाहते हो, मीरब से मिलना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर मीरब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो है वो करें, कमेंट्स करें ताकि मीरब का ये पैगाम दुनिया तक पहुँच सके और इसे जितना अभी जाना जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर
उतना ही इसे बतौर एक क्रिकेटर और बतौर एक अच्छा मेहनती जो है वो बॉलर, बैट्समैन और फील्डर के तौर पर जाना जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक के ऊपर हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो से मुतल्लिक बर वक्त आगाह किया जा सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमारे फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से मुतल्लिक आपको बर वक्त मालूमात मिलती रहे।